हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1200 से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच के अंदर आप एलिजिबल है, बीबीटेक कर रखा है किसी भी ब्रांच के अंदर आप एलिजिबल है, एमईएमटेक कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आईटीआई वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे, अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई मेरा भाई बहन जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, वीडियो को डायरेक्टली स्किप कर देना। स्किप करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जब भी वीडियो को लाइक करता है मोटिवेशन बना रहता है। एंड यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बताना कि कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा बीबीटेक है, कौन से ट्रेड के अंदर आईटी की है और आपका पासवर्ड कौन सा है। इससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी ब्रांच और आपके ट्रेड से रिलेवेंट आपको देखने को मिलेगा और इनडायरेक्टली वहां पे आप लोगों को फायदा होगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा, सीनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, सेफ्टी डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, सुपरवाइजर का वैकेंसी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर यहाँ पे बम्पर भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, आपका सीटीसी क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे और कैसे आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा देखिएगा, उसके बाद आप अपने मोबाइल के थ्रू बड़े आराम से अप्लाई कर पाएंगे। और YouTube पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ इसी बात पे, यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टारगेट आपका रहेगा 700 प्लस लाइक का, 700 प्लस आपको लाइक करवा देना है, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी के। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। इवन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है, जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रीमियम टाइप के जॉब का अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा, एक रुपये भी पे नहीं करना, बस इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रीमियम टाइप की जॉब का अपडेट मैं डालता रहता हूँ। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। देखिए अप्लाई लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है, साथ ही साथ मैंने उसको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली अप्लाई लिंक तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेना, उससे आपको पता रहेगा कि आप कौन सी पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है। पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और जो कि वैकेंसी पोस्ट आउट किया गया है वो पोस्ट आउट किया गया यहाँ पे लिंक्डइन के थ्रू। तो अगर आपने अभी तक लिंक्डइन ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर में जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री के ऐप रहने वाला है। और आप यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको टोटली उसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे वैकेंसी पोस्ट आउट की है मेगा जी है, उन्होंने यहाँ पे दो दिन पहले वैकेंसी पोस्ट आउट कर रखी है जो कि आप देख सकते हैं। एनजीएसएल के अंदर वैकेंसी निकाली गई जो कि यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर आपको देखने को मिलेगा एनटीपीसी का और यहाँ पे जी पावर का एक ज्वाइंट वेंचर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऊपर ही मेंशन कर दिया कि एनटीपीसी और जी पावर का ज्वाइंट वेंचर देखने को मिलेगा जो कि रहेगा एनजीएसएल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी आर हायरिंग, यहाँ पे इन्होंने क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका डेस्क इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा, कंट्रोल रूम ऑपरेटर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर जो आपका पोजीशन रहेगा जूनियर इंजीनियर का रहेगा, सीनियर इंजीनियर का रहेगा, असिस्टेंट मैनेजर का रहेगा और डिप्टी मैनेजर का पोजीशन आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, अगर आपने बीबीटेक कर रखा है रेगुलर के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आपके चांसेस भी है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो भी यहाँ पर अप्लाई करके ट्राई कर लेना, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। यहाँ पे अगर आप फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई करके ट्राई कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको एक रुपये भी पे नहीं करना,
फ्रेशर की जो सैलरी यहाँ पर रहती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने डिप्लोमा कर रखे और आप फ्रेशर हैं तो आपकी जो सैलरी रहती है यहाँ पे 23,000 रुपये से लेके 27,000 रुपये के बीच के अंदर आपको सैलरी देखने को मिलती है। वहीं अगर आपने बीटेक कर रखा है, आपकी जो सैलरी रहती है लगभग 27,000 रुपये से लेके लगभग 32,000 रुपये के बीच के अंदर आपकी सैलरी रहती है, जो कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए सैलरी आपको देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस वालों को उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। बाकी डिपेंड ये भी करता है कि आपके यहाँ पे इंटरव्यू कैसा जाता है, इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके इंटरव्यू पे भी डिपेंड करने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको अपने रिज्यूम को यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। जो भी आपका रिज्यूम है, सीवी है, ये जो मेल आईडी दे रखी है, इस मेल आईडी पे आपको यहाँ पे सेंड कर देना है, मेल कर देना है। मैं आपको मेल करने का तरीका भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको मेल करना है कवर लेटर के साथ। डायरेक्टली आपको ऐसे सेंड नहीं करना है, मेल नहीं करना है। कवर लेटर आपको कहाँ मिलेगा? कवर लेटर मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कवर लेटर लिंक करके वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको करना है क्लिक। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ आपके सामने ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, टॉप पे आपको दिख रहा है पिन मैसेज का, तो आपको सबसे पहले इस पर करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक्सपीरियंस वालों के लिए कवर लेटर आएगा। फ्रेशर को भी बता रहा हूँ कैसे कवर लेटर आपको कॉपी करना है। सबसे पहले एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो आपकी ब्रांच जो भी है उस ब्रांच को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, और इवन आपका जो भी बीटेक किया है या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया उसको मेंशन कर देना। और बीटेक किया है तो आप डिप्लोमा को हटा देना, अगर आपने डिप्लोमा किया तो बीटेक को हटा देना। आपका आपका प्लेस कौन सा है और आपका नेम ऑफ कॉलेज कौन सा है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। 2016 में किया है, 17 में किया, 18 में किया, 19 में किया, 20 में किया, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसको कॉपी करना पड़ेगा। पहले कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी लॉन्ग प्रेस करिएगा। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक बटन आ जाएगा ऊपर वाला, इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना, फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी हो गया, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब बता रहा हूँ कि सीवी कैसे आपको, रिज्यूम सीवी कैसे आपको डाउनलोड करना है। जो भी मेरे भाई बहन हैं उनके पास रिज्यूम नहीं है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर पिन मैसेज दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेशर रिज्यूम फॉर्मेट मैंने दे रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपके मोबाइल के अंदर डॉक्स का एप्लीकेशन होना जरूरी है, जिसको आप प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने रिज्यूम और सीवी को एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल की हेल्प से। इसमें कोई लैपटॉप कोई पीसी नहीं चाहिए, ये आपका सीवी का फॉर्मेट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो कवर लेटर चाहिए फ्रेशर को, आप वापस इस पर क्लिक करिएगा पिन मैसेज पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कवर लेटर फॉर फ्रेशर। फ्रेशर वालों के लिए कवर लेटर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है। यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसको एडिट कर लेना है। कैसे एडिट करना है, नॉर्मली बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ब्रांच जो भी है उसको मेंशन कर दीजिएगा, कब आपने बीटेक डिप्लोमा किया है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। देन फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा, इस नेम को हटा के आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर को हटा के आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब आपको मेल कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि मेल करना नहीं आता। अब मेल करना मैं आपको बता रहा हूँ, एक कवर लेटर आपने कॉपी कर लिया, इसको एडिट कर लिया, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब चलते हैं अपनी जीमेल पे, जिसके थ्रू अपने मेल करेंगे। जो मेल आईडी मैं मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसी पे आपको मेल करना है। ध्यान से कॉपी करिएगा उसको, ठीक है? अब मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डायरेक्टली आप उस पर कॉपी करके इसको मेल कर सकते हैं। अब जीमेल ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली हम। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको मेल कैसे करना है, उस तरीके के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेल करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जीमेल आईडी को ओपन कर लेना है, जो कि आपका जीमेल का ऐप है आपके मोबाइल के अंदर। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपोज ईमेल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली कंपोज वाले मेल पे कर देना है क्लिक। तो कंपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपकी खुद की मेल आईडी आ जाएगी जिससे आप लॉगिन हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वो मेल आईडी डालनी है जो कि मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। या तो आप उसको अच्छे से कॉपी कर सकते हैं या फिर आप उसको अच्छे से टाइप करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइप करने में मिस्टेक करते हैं और उनका मेल नहीं जाता। तो आपको ध्यानपूर्वक उसको कॉपी कर लेना है मेरे भाई। कॉपी करने के बाद आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट का, तो आपको सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में क्या डालना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप फ्रेशर है, 2023 में पास आउट होने वाले हैं या फिर 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं और आप फ्रेशर है, तो आपको क्या टाइप करना है यहाँ पे। आपने अगर आईटीआई कर रखा है या फिर करने वाले हैं 2023 के अंदर, तो आपको यहाँ पे डालना है अप्लाई फॉर टेक्नीशियन। पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखनी है यहाँ पे, अप्लाई फॉर टेक्नीशियन यहाँ पे आपको पुट कर देना है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अप्लाई फॉर DET, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अप्लाई फॉर जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, क्योंकि जेई की पोजीशन के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, उसको अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे बात की जाए जिन्होंने बी बी टेक कर रखा है, तो यहाँ पे वो डालेंगे अप्लाई फॉर जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी डाल सकते हैं, पूरा का पूरा फुल फॉर्म डाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं अप्लाई फॉर, यहाँ पे डाल सकते हैं आप असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी, ऐसे भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आप ऐसे पुट कर दीजिएगा। देन फिर यहाँ पे आता है कंपोज ईमेल का ऑप्शन। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने आपको कवर लेटर प्रोवाइड करवाया था टेलीग्राम पे, जिसको आपने कॉपी कर रखा था, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा उसको एडिट कर लेना है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने डिप्लोमा किया है, बी बी टेक है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपने नेम और मोबाइल नंबर की जगह आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, और आपके जो भी मोबाइल नंबर है इसको हटाने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करके डाल सकते हैं। देन फिर आएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है, आपको यहाँ अपने सीवी को अटैच करना है या फिर अपने रिज्यूम को अटैच करना है। तो यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटैच फाइल का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको अपने सीवी को यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो सीवी रहेगा इसके नीचे आपको अपना सीवी देखने को मिल जाएगा। देन फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है सेंड का, इस पर क्लिक करके आप अपने जो आपका मेल है वहाँ पे सेंड हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहा हूँ कि आपने जो मेल आईडी यहाँ पे डाली है उस मेल आईडी को ध्यानपूर्वक टाइप कर लेना या फिर आप कॉपी कर लेना, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।